और इस टंकी को अब यहाँ से ये बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से इसको एक जैसे एक छोटे बच्चे को आराम से लिया जाता है उस प्रकार से इसको निकाल दिया गया है और ये टंकी बन के रेडी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन लाल कुमाऊत और आप देख रहे हैं कुबेर टेक्निकल गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वाटर स्टोरेज जो टैंक्स होते हैं प्लास्टिक की पानी की टंकियां किस प्रकार से बनती है। अभी एक कंपनी में अपन आए हैं पॉलीलेक वाटर टैंक्स जहाँ पे ये फैक्ट्री का प्लांट है यह टंकियाँ बनाने का, वहाँ पे अभी हम आए हैं और आप सभी को इसकी टंकी बनाने की जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको पूरी दिखाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी हम जा रहे हैं मशीन के ऊपर जहाँ पे मटेरियल डाला जाएगा मशीन के अंदर, तो किस प्रकार से डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपन आ गए हैं मशीन के ऊपर। ये ऊपर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से खोल दिया है और ये कीप बना हुआ होता है जो डाई है। डाई के मुंह के अंदर कीप को घुसा देते हैं और इस मटेरियल को इसके द्वारा उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये मटेरियल इसके अंदर चला गया डाई में। इस मशीन के अंदर चार डाई लगी हुई है, एक साथ चार टंकियां बनती है, तो चारों के अंदर ये मटेरियल डाला जाएगा। मटेरियल डालने के बाद में इंतजार किया जाता है उसको अंदर बैठने के लिए। ये डाई का मुंह आ गया इसके अंदर और ये इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, इसके अंदर डाल दिया है। अब इस डाई को चालू कर दिया जाएगा और जैसे ही डाई गर्म होगी ये मटेरियल उसके चारों तरफ चिपकने लग जाएगा। आप देख रहे हैं टंकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पे पानी की टंकियाँ जो वाटर स्टोरेज के लिए बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनती है उसका वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मशीन है टंकी बनाने की, इसके अंदर चार टंकियाँ एक साथ बनती है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है टंकियाँ बनने का। ये आप देख पा रहे हैं पानी की टंकियाँ पॉलीलेक वाटर टैंक किस प्रकार से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस प्रकार से इन पर टेपिंग होती है, इनके ऊपर मार्क लगाया जाता है, वो सारी प्रोसेस आप देखेंगे किस प्रकार से होती है। दोस्तों, टंकियों को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब ये डाई के अंदर ये टंकी बनती है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसको पिघलाया जाता है, इसका जो मटेरियल होता है उसको पिघलाया जाता है और पिघलने के बाद में इसके जो डाई होती है उसके चारों तरफ ये टंकी बन जाती है, चिपक जाती है अंदर। तो उसे ठंडा करने के लिए ये जो कूलर होता है बड़े साइज़ का, इससे इसके हवा लगाई जाती है और धीरे धीरे इसको ठंडा किया जाता है जिससे अपनी जो टंकी होती है बिल्कुल सेफ यहाँ से निकल आती है बाहर। ये आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त हवा चलती है, बड़ा कूलर है टंकियों को ठंडा करने के लिए। बिल्कुल धीरे धीरे से इन टंकियों को ठंडा किया जाता है।
और अब ये ठंडा हो गया है, रोक दिया गया है मशीन को। यहाँ पे टंकियों को अब बाहर निकाला जाएगा यहाँ से। ये जो डाई बनी हुई है, टंकी के साइज़ का डाई है, तो इसको यहाँ से खोला जा रहा है। नट बोल्टों को खोला जा रहा है। थोड़ा लूज कर रहे हैं इनको ताकि टंकी के अंदर भी थोड़ा हवा लग सके, क्योंकि अभी ये डाई बाहर की तरफ से बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो इसको हवा लगा के डाई को ठंडा किया गया है। वन बाय वन करके इन टंकियों का जो नट बोल्ट होता है, इसके टॉप साइड पे उसको खोला जा रहा है और इन टंकियों को फिर बाहर निकालेंगे एकदम सेफली तरीके से। ठंडा रखने के लिए जो यहाँ पे कूलर इस्तेमाल किया गया था, ये देखिए इसको हटा देंगे अभी यहाँ से। इसको यहाँ से हटा दिया गया है, अब अपने पास यहाँ पे स्पेस बन गया है। ये आपके सामने ये देख रहे हैं आप, ये डाई का मुंह खुल गया है यहाँ पे और ये टंकी आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये खोल दिया गया है इसको। इसका जो टॉप था यहाँ का, इसको हटा दिया गया है और इस टंकी को अब यहाँ से ये बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से इसको एक जैसे एक छोटे बच्चे को आराम से लिया जाता है, उस प्रकार से इसको निकाल दिया गया है और ये टंकी बन के रेडी है। खोलने के बाद में इसे वापस लगा देंगे दूसरी टंकी बनाने के लिए। बार बार का प्रोसेस नहीं रहेगा, एक टंकी निकाल लेंगे उसको वापस लगा देंगे। ये दूसरी वाली टंकी को अभी यहाँ से निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस सभी टंकियों का बनाने का। और ये टंकी आ गई है बाहर, ये देखिए बिल्कुल प्यार से इसको, 550 लीटर का ये वाटर टैंक है, इसको निकाल लिए बाहर और ये रख दिए। अंदर से जो डाई होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम क्लीन। जिस शेप के अंदर ये डाई होती है उसी शेप के अंदर ये टंकी बनती है, उसी हिसाब का इसका टंकी का डिज़ाइन होता है। टंकी यहाँ से निकलने के बाद में ये यहाँ पे इसके ऊपर मार्किंग का काम होता है, ये इसके मार्किंग लग रही है, टेप लगाई जा रही है। फोर लेयर का ये वाटर टैंक है। अगर मैं आपको इसकी लेयर्स बताऊं तो ये फोर लेयर का है। ये देखिए बिल्कुल पास से फोर लेयर वाटर टैंक्स।
प्रीमियम क्वालिटी वाटर स्टोरेज टैंक्स, पॉली लेक वाटर टैंक्स हैं ये। ये जो मुंह होता है टंकी का वो किस प्रकार से यहाँ पे काटते हैं, ये बहुत ही सिक्योर तरीके से भैया काट रहे हैं इसको। देखिए ये निकाल दिया ने उन्हें, और बाकी बहुत ही बढ़िया देखो ये टंकी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। टंकियाँ बनाना मैंने आपको दिखाया है किस प्रकार से पानी की टंकियाँ बनती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे तक इसे बढ़ाएं, सभी लोगों को इसकी नॉलेज हो कि पानी की टंकी कैसे बनती है। धन्यवाद।